मंगलवार को उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक घायल हो गया था। ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। पुलिस ने बदमाशों से दो मोटरसाइकिल और लगभग 10 लाख रुपए बरामद किए। दो अन्य लोग मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस फोर्सेस और कुछ बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, उसमें दो पकड़े गए हैं, जिसमें एक का बुलेट इंजरी हुई है। एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे सिपाही को पहले उन लोगों ने मार दिया, हाथ में उनको भी गोली लगी है। और इसमें जो घायल बदमाश, उनका नाम है कि इरफान सनाफ सब्बीर, रहने वाला रसूलपुर दबेड़ी,